आप में से दीपिका कौन है? मैं हूँ, अब सर उठा के देखिए। और ये जो पुराना हो गया है, थोड़ी देर में बोलोगे कि लड़की हो के लड़के जैसा आवाज, इतना इतना ही मिलता है ऐसे ही। वो रणवीर भी तो पहनता है लड़कियों के कपड़े हैं, बड़े आए है। हमें तो मारने का मौका नहीं मिला ना। अब बैठिए इधर, रणवीर मैडम, सॉरी रणवीर सर को उधर बिठाओ। इनको बगल की दुकान से एक पैंट ला के दो और प्लाजो जो पहन के यू कान मॉक हिम लाइक दैट, उतरवाओ। दिस इज मिसोजिनी, मिसोजिनी नारी विरोध है ये। मिसोजिनी? लौंडा पूरे समय लौंडिया का ड्रेस पहन के घूमता है, उसको पैंट दिला रहे हैं, इसमें मिसोजिनी और ये नारी विरोध कहाँ से आ जाता है इसमें? आप लड़कियों की पोशाक के विरोध में है, यू आर ए मेल शॉविनिस्ट पिग। मुझे पता है आप लोग इसे कैसे डील करना है। रुको एक मिनट, रोजेज आर रेड, वायलेट सर, रणवीर वायलेट सर, ब्लू श्योर, ओके ब्लू। जे काव रहो विदुर, जे काव रहो ससुर। रुको एक मिनट रुको। मी एंड यू हैशटैग मिसोजिनिस्ट एनसीबी हैशटैग पेट्रियार्की रियर ये गया ग्रुप में। 2 मिनट में अब तू ट्रेंड होने लगा, सारी हैकरी निकलवा दूंगी तेरी। ये एनसीबी बंद ना करवा दी ना शाम तक मैंने, तो ट्विटर से तो मेरा नाम दीपिका नहीं। अच्छा, ट्रेंड होने से बंद हो जाएगी एनसीबी, जैसे आप लोगों ने कई बार मोदी से इस्तीफा ले लिया। किंचु किस तरह के लोग हैं यार ये। और नहीं तो क्या, हम सरकारें गिरा देते हैं ट्विटर पे। आप चुपचाप सवाल पूछिए। आपकी बातों, हरकतों, मानसिक क्षमता से तो लग रहा है कि आप ही दीपिका हैं, लेकिन ये गरीबों वाले कपड़े से लग रहा है कि हमने कभी देखा नहीं ना आपको बिना डिज़ाइनर वाले कपड़ों। ये भी डिज़ाइनर ही है, ये मनीष का फॉल फ्रॉम ग्रेस कलेक्शन है जो हमारे ग्रुप में बनाया गया था। ये कलेक्शन हाल ही में आया है, इसमें देखिए जरी का काम है, और इसमें पहला कैटवॉक भी आजकल ही में हुआ है जब मैंने, श्रद्धा ने और सारा ने इसे पहनने के बाद 17-17 फुट की लंबी छलांग मारते हुए छाती शरीर से बाहर निकालकर सर आसमान की तरफ रखते हुए और चेहरे पे गौरव का अनुभव करते हुए हम घरों से निकले और कारों में बैठे। अपने फोटोज भी देखे होंगे, टीवी पर तो आया ही होगा। तो ये सब तो हम लोग कैमरे के लिए करते ही हैं। ये सब नहीं बोलने का था, ये क्या कर रही हो तुम? चुप रहो जी, इसकी चोली भी उतारो, शर्ट ला कर दो इनको। पैंट लाने बोला था तब समझ में नहीं आया कि सारे कपड़े इसके बदलने हैं, पुरुषों वाले कपड़े कैसे बर्दाश्त करती आप है इसको? आप यही सब करेंगे कि सीरियस सवाल भी पूछेंगे मुझसे? अरे सवाल जवाब तो हेवे करेगा, थोड़ा मजा लेने दो पहले। ऐसे बकलोल लोगों से बहुत कम मिलना होता है। तो आप ये बताइए कि ये गरीबों वाला जो मिडिल क्लास दुपट्टा है, वो सरोजनी नगर से लिया या पालिका मार्केट से? अरे ये क्या हो रहा है यार, वाई एम आई नॉट बीइंग आस्क्ड द क्वेश्चन दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर? मैं तैयारी करके आई हूँ, आप सवाल पूछिए। जैसे क्या मैं ड्रग्स लेती हूँ, क्या मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप चलाती हूँ, क्या मैं रिया या जया साहब को जानती हूँ, इस टाइप के सवाल पूछिए ना आप। अरे मैडम, वो तो सबको पता है कौन क्या लेता है, इसमें बताइए ना बताइए उसके, हम लोग को तो सब पता होता है। शिट, कैसे अब ये किसने लिक कर दिया? उसी रिया ने बोला हो या फिर जानी, यू कॉन्ट ट्रस्ट एनी वन नाउडेज। मैंने तो सारे प्रिकॉशन लिए थे सर, दिन में एक ही बार लेती हूँ सर, या 2 बार मैक्सिमम, पार्टी में ट्रे लेके आ जाते हैं सर। ट्रे में ये सवाल मुझे एडिक्शन नहीं है सर। लौंग, इलायची और सुपारी कटा हुआ देते, मतलब ज़्यादा अमीर की बेटी हो तो पनामा सिगरेट और माचिस की डिब्बी उसी ट्रे में रहती थी, यहाँ ट्रे में ये सब दिया जाता है। खैर आपका कन्फेशन तो चलिए मिल गया, अब ये बताइए कि मैंने कब कन्फेस कर लिया? मैडम अभी आपने बताया ना कि दिन में 1-2 बार लेती हैं आप, हो गया कन्फेशन, आपने स्वीकार कर लिया। मतलब रिया या जया ने कुछ नहीं बताया? रणवीर सर कुछ ले दे के सेटल करो ना सर, आपको तो पता ही है ये सब तो चलता ही है सर। इसके पायल खोल घुंघरू वाले, चुप करा इसको, यहाँ क्या हेलमेट का चलान काटा जा रहा है कि ले दे के कुछ सेटल कर लें? I can't handle this, I can't breathe, I want joint. अरे फिर से कन्फेस कर रही हैं आप, एक बार में हो गया, हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब आप ये बताइए कि ये जो ड्रेस है वो क्या सच में, मतलब कपड़े ऐसे वाले आप लोग भी पहनते हैं? मैंने रियल लाइफ, मैंने कभी देखा नहीं है ना उस तरह कपड़ों में। सर आप कैमरा ऑफ करेंगे तो पते की एक बात बताती हूँ मैं।
कैमरा ऑफ कर दो। ऑफ हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो वो कोने में लाल डॉट दिख रहा है ना, वो स्क्वायर ऐसे ऐसे बना हुआ है जहाँ लिखा हुआ रिकॉर्डिंग, वो ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब है वो बंद हो गया। लाल लाइट तो बंद होने का ही होता है ना सिस्टम, आप लोग भी तो रेड लाइट पे रुकती होंगी, वही सिस्टम हर जगह है, बंद है एकदम तसल्ली से चिल आउट होके सुनाइए। सर घर के भीतर जैसे आम लोग रहते हैं वैसे ही पहनती हूँ, घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ी तैयारी करनी होती है, कहाँ जाना है इस पर डिपेंड कर। जैसे जे एन यू वाला टाइम याद है, जाना था मुझे शाहीन बाग, लेकिन उसी समय वामपंथियों ने जे एन यू मारपीट की है, वी वी पी वालों को पीटा, सर्वर रूम तोड़ा, बच्चों को परीक्षा देने से रोका। तो जब मैं रास्ते में थी घर से निकली तो काले कपड़े पहन के चली थी, किसी ए विरोध में खड़े होना, छोटा सा स्क्रिप्ट भी था पीआर एजेंसी का, वहाँ की दादियों के साथ खड़े होना था, बोलना था बोल क्लब आज़ाद है तेरे, रिपीट आफ्टर मी, फैसिज्म इज रियल पीरियड। फिर बोला जे एन यू जाना है क्योंकि सारे मीडिया वाले वहीं पहुँच गए हैं। अभी इतने कम समय स्क्रिप्ट कैसे याद करती। तब पीआर वालों ने बोला कि बोलना कुछ नहीं है, छाती तान कर गर्दन जिराब जैसी निकाल कर भीड़ में खड़े हो जाना है, बाकी पोस्टर आदि तो सर मिनटों में तैयार हो ही जाते हैं। वाह मैडम, आप उसी पीआर वालों की बात कर रहे हो जो कल एक जगह छपवाया था कि दीपिका का फ़ोन कोई और इस्तेमाल कर रहा होगा ड्रग्स मंगवाने के लिए? हाँ वही लोग हैं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, आप ही नहीं रखो, हमारी बहुत मदद हो जाती है इनसे। हाँ तो आप बता रहे थे कि घर में जो है आप आम लोगों की ही तरह। हाँ जैसे जे एन यू कॉन्सर्ट मैनेज था वैसे ही कल रात ही व्हाट्सएप पे आ गया कि हमें क्या पहनना है, कैसे चलना है, कैसे ज़मीन की जगह आसमान को देखना है, ये सब तो सर करना पड़ता है पब्लिक लाइफ में, सर इतना देखना पड़ता है, इतने कैमरे वाले हैं, इमेज की बात है सर, एंटरटेनमेंट वाले अखबारों वेबसाइटों में छपवाते हैं द रियल क्वीन, करेजियस, इन्फेक्शस ओरा, स्कोडा, लहसुन, आपको तो पता ही है सर। हाँ जी पता तो है ये सब। खैर आप ये बताइए कि ये जो कान में जो टॉप्स हैं उसके स्टोन असली हैं क्या? मेरा मतलब है हीरे वीरे तो लगे होंगे इनमें तो। अरे नहीं ये तो मेरी सिस्टर ने दिए थे, ये तो उसने शनि बाजार से लिए थे, 20 के 2 पड़े। बात वह है ना सर कि गरीब के कान का सोना भी पीतल ही कहा जाता है, हम पीतल भी पहन लेते कुंदन हो जाता है। एक मिनट रुकिए, ये वाली लाइन में जो है कहीं पे लिख लेता हूँ, आपसे बिना स्क्रिप्ट के ऐसे मतलब फिलॉसफी की उम्मीद नहीं थी, लिख लेते हैं। हाँ अरे सर आप तो एकदम फैमिली टाइप हो रहे हैं, आपसे क्या छुपाना। एक बार पता है मैंने एक पार्टी में गई थी, इतना फूका ओ माय गॉड, एकदम ना भंड हो गई थी मैं, एकदम भंड, आई मीन आई कुडंट से रणवीर फ्रॉम रणवीर, मुंह में लेने का था किसी ने नाक से लिवा दिया, फिर तो बस मैं हवा में उड़ने लगी, लोग मेरे पाँव पकड़ के उतार रहे थे, मैं ऊपर जा रही थी, फिर मैं एक बोइंग प्लेन से टकरा गई, फिर मैंने पायलट को नशे में किस कर लिया। वो वाला टाइम मुझे ऐसा अच्छा लगा कि मैंने कहा जया यार तू रोज यही लाया कर, असली मजा इसी में। सर हम लोग सारा चीज फ़ोन से ही मैनेज कर लेते हैं सब कुछ। अच्छा फ़ोन पर ही सब मैनेज हो जाता है, जरा दिखाइए तो अपना फ़ोन दीजिए जरा। ओ गॉड ओ गॉड मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मैं पैनिक कर रही हूँ, मुझे तो अटैक आ रहे हैं, ओ गॉड ओ गॉड। अरे बेबी ये सब करना था, बोलना नहीं था, मेरी बेइज्जती करवा दी तुमने सबके सामने। फोन लाओ इधर, फोन लाओ, देखें क्या है चैट्स में, किस किस तरह की चैट तुम लोग करते रहते हो। फोन लाओ जी, फोन फोन। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं रोने लगूंगी। जस्ट कांट डू इट, यू कांट टेक माई फोन अवे। ये इमोशनल ड्रामा बंद करो, ये सब विक्टिम कार्ड जो इधर नहीं चलेगा, फोन जब्त करो इसका, खींच के लो हाथ से। अरे ऐसे कैसे, ये फांसी बात है, गरीब लोगों की आवाज दबाई जा रही है, एक औरत को जबरन परेशान किया जा रहा है, किसी मर्द का नाम क्यों नहीं आया इस केस में, मैं किस तरह के स्ट्रगल के बाद यहाँ पहुंची हूँ, मैंने कितनी मेहनत की है, अपने दम पर करियर बनाया है, आपके इस तरह के व्यवहार कर मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गया, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज रियल। निकालो इसको यहाँ से फोन लेकर, नौटंकी लोग, और इस लौंडे शर्ट पैंट के पैसे ले लो, इसका प्लाजो चोली ये सब ऑक्शन करवा और गरीबों में बांट दो, और हाँ इस इंटरोगेशन के कुछ हिस्से लीक कर दो, ऑफ इंडिया के अजीत भारती को भेज दो। अरे सर ऑफ इंडिया बहुत छोटी संस्था है सर,
छोटी स्क्रॉल वायर क्विंट न्यूज लॉन्ड्री सब वामपंथी हो, अकेले बांस की हो और तुम कह रहे हो कि छोटी है यार, लीक करो तुम, हमसे बहस ना किया करो, बुआ के लड़के हो इसलिए बर्दाश्त किए जा रहे हैं तुमको।